अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टेली की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे कंपनी सिलेक्ट करना, बंद करना, ऑल्टर करना, डिलीट करना और साथ ही टेली बंद करने के तरीके के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि नई कंपनी कैसे बनाते हैं, साथ ही आपने कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना था। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि सिर्फ वीडियो देखने से लाभ नहीं होगा। यदि आप इस वीडियो का सही लाभ लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिसमें सबसे पहले देखेंगे सिलेक्ट कंपनी के बारे में। सिलेक्ट कंपनी का उपयोग टैली में बनी हुई किसी भी कंपनी को ओपन करने के लिए किया जाता है। यहाँ हमने टैली ओपन कर लिया है। टैली ओपन करते ही दो स्थितियां हो सकती हैं। पहला, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में कोई कंपनी पहले से ही ओपन हो। ऐसी स्थिति में हमें किसी अन्य कंपनी को खोलने के लिए F1 की प्रेस करना होगी। ऐसा करते ही लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएगी और दूसरी स्थिति में कंपनी इन्फो की विंडो दिखाई पड़ेगी। यहाँ सिलेक्ट कंपनी के लिए S प्रेस करना होगा। देखिए, लिस्ट ऑफ कंपनीज आ गई है। अब आप जिस कंपनी को खोलना चाहते हैं डाउन एरो से उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। और यदि आपने टैली में बहुत सारी कंपनियां बना रखी हैं तो कंपनी के नाम का पहला अक्षर टाइप करें। ऐसा करते ही उस अक्षर से शुरू होने वाली सभी कंपनियां हाईलाइट हो जाएंगी। इसके बाद अप या डाउन एरो की से उस पर जाकर के एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही कंपनी खुल जाएगी। एक कंपनी ओपन होने के बाद यदि आप दूसरी कंपनी भी ओपन करना चाहते हैं तो F1 की प्रेस करें और यहां से पहले बताए अनुसार दूसरी कंपनी सिलेक्ट कर लें। गेटवे ऑफ टैली पर दो कंपनियां आ गई हैं, जिसमें से एक कंपनी बोल्ड अक्षर में दिखाई दे रही है, यानी यदि आप कोई भी काम करेंगे तो वो इस कंपनी में होगा। यदि आप दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो जिस कंपनी में आपको काम करना है माउस से उस पर क्लिक करें या फिर कंपनी बदलने के लिए F3 की प्रेस करें और यहां से दूसरी कंपनी सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दें। दूसरा ऑप्शन है शट कंपनी यानी क्लोज कंपनी का, वो भी देख लेते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका उपयोग हम किसी कंपनी को बंद करने के लिए करते हैं। वैसे तो हम इसके बारे में पिछली वीडियो में देख चुके हैं, फिर भी एक बार और समझ लेते हैं। आप यहां देख रहे हैं, अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं और यहां दो कंपनियां खुली हुई हैं। उसमें से हम एक कंपनी बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल्टर और F1 कीज को एक साथ प्रेस करें। ये देखिए, क्लोज कंपनी की विंडो आ गई है और अभी टैली में जितनी भी कंपनियां खुली हुई हैं उनके नाम दिखाई पड़ रहे हैं। आप जिस कंपनी को बंद करना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में से वो कंपनी चली गई है। अल्टा और F1 से हम दूसरी कंपनी भी बंद कर देते हैं। अगला ऑप्शन है अल्टा कंपनी। यदि आपने कोई कंपनी बनाई है और कंपनी बनाते समय जो डिटेल्स दी थी उसमें कुछ छूट गया था या उस डिटेल में कुछ परिवर्तन करना है तो वो अल्टा की सहायता से किया जा सकता है। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। जिस कंपनी को आप ऑल्टर करना चाहते हैं पहले उसे सिलेक्ट कंपनी की सहायता से ओपन कर लें। अब ऑल्टरेशन के लिए कंपनी इन्फो में जाना होगा। कंपनी इन्फो के लिए ऑल्टर और F3 कीज को एक साथ प्रेस करें। कंपनी इन्फो की विंडो आ गई है। यहाँ नीचे आप ऑल्टर देख रहे हैं, उसके लिए A की प्रेस करें।
देखिए आपने जो कंपनी सिलेक्ट करके ओपन की थी वो यहाँ दिखाई पड़ रही है। एंटर प्रेस करें। ये कंपनी अल्टरेशन विंडो आ गई है। यहाँ से आप जो भी चाहें, यदि कुछ नया जोड़ना हो तो वो, या कुछ चेंजेस करना हो तो वो कर सकते हैं। यहाँ पहले हम अपना पिन कोड चेंज करना चाहते हैं तो वो कर लेते हैं। इसको हम 452001 के स्थान पर 452010 कर रहे हैं। और पहले हमने अपना ईमेल आईडी नहीं डाला था, वो भी टाइप कर देते हैं। अब हमने जो भी चेंजेस किए हैं उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल और ए की प्रेस करेंगे। हम एस्केप की प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ दिल्ली पर आ गए हैं। अब जो कंपनी खुली हुई है ऑल्टर और F1 कीज की मदद से उसे बंद कर देते हैं। ये हम गेटवे ऑफ दिल्ली पर हैं। आइए देखते हैं कि यदि आप दिल्ली में बनी हुई कोई कंपनी डिलीट करना चाहते हैं, यानी स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर भी करीब करीब वही है जो कंपनी ऑल्टर करने का है। पहले वो कंपनी सिलेक्ट करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। अब ऑल्टर और F3 कीज को प्रेस करें और फिर ऑल्टर के लिए A की प्रेस करें। आपने जो कंपनी सिलेक्ट की थी वो दिखाई पड़ रही है। एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही कंपनी ऑल्टरेशन की विंडो आ जाएगी। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझ लें कि किसी भी कंपनी को बहुत सोचने समझने के बाद ही डिलीट करें। यदि आपने कंपनी में कोई लेजर बनाए हुए हैं या कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो एक बार कंपनी डिलीट होने पर उस कंपनी का पूरा रिकॉर्ड चला जाएगा, फिर आप उसमें से कुछ भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। कंपनी डिलीट करने के लिए कंपनी ऑल्टरेशन विंडो पर ऑल्ट और डी कीज को एक साथ प्रेस करें। कुछ इस तरह की विंडो आएगी। यदि आप कंपनी डिलीट करना चाहते हैं तो वाई या एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही फिर एक विंडो आएगी जिसमें आपसे वापस कंफर्म किया जा रहा है कि क्या आप कंपनी डिलीट करना चाहते हैं। यस के लिए बाय प्रेस करें। ऐसा करते ही कंपनी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। हम सिर्फ समझने के लिए ये काम कर रहे थे। वास्तव में हमें इस कंपनी को डिलीट नहीं करना है, तो हम नो के लिए N प्रेस कर रहे हैं। स्केप की से वापस गेटवे ऑफ दिल्ली पर आ जाए। अब जो कंपनी खुली हुई है ऑल्टर और F1 कीज की मदद से उसे बंद कर देते हैं। अब हम समझेंगे टैली सॉफ्टवेयर क्विट करने के बारे में। टैली सॉफ्टवेयर से बाहर आने के लिए क्विट ऑप्शन है और इसके शॉर्टकट की है Q। कीबोर्ड पर Q प्रेस करें। यहाँ पूछा जा रहा है यस या नो। यदि टैली बंद करना चाहते हैं तो यस के लिए वाई या एंटर प्रेस करें, और यदि टैली बंद नहीं करना चाहते हैं तो नो के लिए एन प्रेस करें। हम एन प्रेस कर रहे हैं। टैली बंद करने का एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल और क्यू कीज को एक साथ प्रेस करें। इस वीडियो में हमने कंपनी सिलेक्ट करने, उसे बंद करने, ऑल्टर करने, डिलीट करने और टैली सॉफ्टवेयर को बंद करने के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली में लेजर बनाते समय ग्रुप का निर्णय चार्ट ऑफ अकाउंट्स की सहायता से कैसे करें।